आप लोगों को पता रहेगा प्लास्टिक वर्ड ही इतना खराब है कि उसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो 1 2 3 तीन बाजू से बंद कर दिया, ये बंद कर दिया 4 और ये 5। तो ऐसे आप लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर वाटर प्रूफ है, कोई इश्यू नहीं आएगा, बट अपने को गाड़ी में बांधना है। अभी ये बड़ा टास्क है, लेट्स सी। नॉर्मल करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग ये सब निकलेगा नहीं ना। दिवाली के कपड़े ड्राई क्लीन करा रहे हैं क्योंकि कराने बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही पहन लेते हैं क्योंकि साल में एक दो बार पहनते हैं, बास मारता है। और दिवाली के कपड़े ड्राई क्लीन कराने से कि एम्ब्रॉयडरी यार बहुत कुछ रहता है, सब खराब हो जाता है घर के वॉश में। पैसे की कंजूसी मत करो, पैसे तो पता नहीं, अभी बिल बना रहे तो पता चलेगा पैसे कितने लगने वाले हैं। नाम है मेरा शिरीष, शिरीष SHIRISH गॉड GOR। सुबह सुबह मॉर्निंग में कबीर बॉलिंग कर रहा है। कितने बजे उठ के आ जाता तू? मैं बोला मैं 7 बजे उठा और आ गया 7:15 को नीचे, पौने 8, आधा घंटा लगा नीचे आज। क्यों, क्या करता है इतना आधा घंटा? अरे कुछ नहीं, मतलब सब रेडी रहना रहता है ना। ओहो बरोबर है, नाश्ता वास्ता करके आता? नहीं नाश्ता करके आता, फिर भी आधा घंटा लगता है। अबे कपड़े पहनने का है, ब्रश करके जूते पहन के नीचे तो आना है, तेरे को कितना टाइम लगा नीचे आने को? हो देख 5 मिनट में हुआ है, तेरे को आधा घंटा। तेरा झूठ मत बोलना। हाँ तूने 25 मिनट लिया, तूने मतलब मेरे जितना ही आधा घंटा 6:30 को होगा, तू झूठ बोल रहा लगता है। ये हमारी कॉलोनी के चिल्लर पार्टी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वो, तो तू तो सीखने भी जाता है ना टूर्नामेंट में, ये भी जाता है। अरे तुम लोग सब लोग जाते हो ऑलमोस्ट। और यहाँ पे उर्मी हमारी क्या लेके बैठी है जरा बता? पेपर बैग लेके बैठी है, जो उनको स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट दिया है, यूज मी किस स्माइलिंग, मतलब वो टूथब्रश का रखने के लिए ना। किसका इंतजार कर रही है मगर तू? तो हमारी मॉर्निंग कुछ ऐसी हो जाती है, और किसी हमारे गार्डन है तो वहां पे मैं वॉक कर लूंगा। सुपर मामा है ना, धुआं बहुत उड़ाते हैं। हाँ सुबह सुबह कचरा वचरा साफ करते तो वॉक करते, मुंह में सब जाता है गंदगी। उनको बोलेंगे मत मत बोलते बेटा मैं कब करूँ। मैं बोला उनकी भी बात भी सही है, ऐसा हो जाता है। बाकी आज किसने अच्छा खेला? अभी तक चालू नहीं हुआ। अरे क्या बात कर रहे, अभी तो बज गया ना, कितना 7:30 बजा ना। वाह नीचे क्रिकेट के बहाने गप्पे मार रहे हो, सही। श्लोक कहाँ पे, श्लोक क्यों नहीं आया? अरे बाप रे भैया, जब हम लोग है ना इसका ना व्लॉग में डालूंगा, सब लोग देख लेना तुम लोग अपना चेहरा कि तुम लोग वीडियो में कैसे दिखते हो, मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, आवाज तुम लोग की कैसी आती है। रात को मगर तुम लोग सोते कितने बजे हो, इतना जल्दी उठ जाते हो? तेरा 10:30-11 बजे तक सो जाते हो, यानी नींद पूरी हो जाती ना 6-8 घंटे वाली। आफ्टरनून को सोते हो ना मगर? एक घंटा तो सोते रहोगे। एक बजे सो जाता हूँ, मतलब 1-2 बजे तक। अरे वो अंदाजे से रे, अंदाजे से बोल रहा है। सैटरडे संडे। अरे यार तुम लोग स्कूल का है, क्लास का नाम लिया तो सुबह सुबह स्कूल नहीं? हमारा 11:30 दिवाली के छुट्टी सबका नहीं, मेरा होता है 9 बजे। कभी टाइमिंग चेंज रहता है, कभी 12:30 रहता है तो मैं नीचे नहीं आता, कभी 1:30 रहता है तो आता हूँ 1 बजे। अच्छा ये अच्छा है, आफ्टरनून का स्कूल है इसकी वजह से तुम लोग खेल पाते हो सुबह सुबह क्रिकेट। मेरा 9 बजे। अभी अपने यहाँ पे टर्फ बन जाएगा, तुम लोग वहाँ खेलोगे फिर। पर टाइम लगेगा, 3-4 महीने या 1 साल लग जाएगा। नवम्बर, अभी अक्टूबर चल रहा है, कहा 15-20 दिन में कैसे होगा? अच्छा काम स्टार्ट होगा, ओके। 1 साल तो ज्यादा नहीं लगेगा। देखा इसे बनाने में 2-3 महीने लगते हैं। वही। देखो कब बनता है। बच्चों के लिए स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है कि जो बेस्ट आपको फ्रेश रहता है उसमें से कुछ आर्ट बनाओ। तो उर्मी ने हमारे घर में ये कुछ बनाया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है यूजी एंड किस माइंड, मतलब जो मालूम है ना आप लोगों को पता रहेगा कि ग्रोसरी शॉप पे जाते हो कोलगेट और अपना टूथब्रश रहता है वो ऐसे इंसर्ट करने के लिए कुछ बॉक्स लेते हैं, बास्केट,
ये उर्मी ने बनाया हुआ है। किससे बनाया हुआ है उर्मी? अमेजोन का कार्डबोर्ड का जो बॉक्स रहता है उससे। हाँ, उससे बनाया हुआ है। तो ये बच्चे लोग भी ना वैसे कुछ ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ पे सुबह सुबह ये लोग क्रिकेट खेलने आते तो ले लेता हूँ, एडवर्टाइजिंग कर लेता हूँ। तो ये कोलगेट भाई साहब है, मतलब कोलगेट की जगह आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ब्रश यूज कर सकते हो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो तुम लोग भी इस तरह का मतलब कुछ आर्ट बना के यूज करोगे ना? क्योंकि क्या होता है कि इस तरह का आप आर्ट बना के यूज करोगे तो क्या है, एक तो पहले आपके पैसे बचेंगे, दूसरा जो अपना एनवायरमेंट है उनको नुकसान नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक यूज करते हो आपको पता है, प्लास्टिक आपको पता रहेगा, प्लास्टिक वर्ल्ड इतना खराब है कि उसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम था वापिस बोलो क्योंकि बराबर सुनाई नहीं दिया गया। तो जैसे बच्चे लोगों ने बोला वैसे आपके घर पे भी अप्लाई करो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, जितना हो सके शेयर लाइक और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बनाते हैं तो उर्मी को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, उसका आईडी है जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और उसको पूछो कि ये कैसे बनाते तो वो आपको बता देगी कि ये कैसे बना के देते हैं। तो मैंने ना पहले इंस्टाग्राम का वीडियो बनाया था, इससे वो वर्टिकल आया था, और बाकी अपना यूट्यूब तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल आता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। और हमारे पीछे बच्चे लोग हैं आज क्रिकेट छोड़ के वीडियो में आ रहे, ये सब जब बड़े हो जाएंगे और बाद में ये सब वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे अरे हम लोग छोटे थे तो ऐसे दिखते थे। तो उर्मी अभी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को रोहित को देने वाली है, उनका प्रोजेक्ट था जो जिसको जरूरत है उसको दो, तो वहां पे दे दिए। तेरे को भी मास्क पहनने का, ऐसा फोटो लेके पता ही नहीं चलेगा। यो 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 स्ट्रेट लो, अरे पहले इधर रोहित इधर देखने का उधर। एक्चुअली अपनी बाइक पे ना ये बैग लगाने की है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो ये अपने पास है ना वाटरप्रूफ बैग है, बट यहाँ पे लगेगी कि नहीं लगेगी वो चेक करने आया हूँ। तो उर्मी बोली मैं धक्का मार के गाड़ी निकालती हूँ, मैंने तो मैंने बोला निकाल और यहाँ पे लगा, फिर वीडियो बनाते हैं। और कल वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, दिवाली की तैयारी मेरी ज़बरदस्त चल रही है। दिवाली के कपड़े मैंने ड्राई क्लीन करने दे दिए हैं, नए जाके खरीद के लाया हूँ, तो दिवाली में अच्छे खासे ट्रेडिशनल वाले कपड़े पहनने वाला हूँ। ये जीन्स टी शर्ट वो वाले नहीं, वो तो मैं बैंड्रा गया था तो खरीदा था, बट तो कैसे बोलते ना आम दिनों में 365 डेज पहनते ही रहते हैं, 365 डेज है ट्रेडिशनल के फेस्टिवल के दिन निकाल दो, बट बाकी सब दिन तो नॉर्मली पहनते ही रहते हैं। और ट्रैवलिंग कर रहे थे, जैसे ये मेरे पास बैग है तो इसकी पूरी तैयारी बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है कि स्कूटर पे टैल बैग कैसे लगाते, तो आज मैं बता देता हूँ। पहले तो मुझे भी नहीं पता ये लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि अपनी गाड़ी में गार्ड नहीं है ना, अभी बर्गी स्कूटर है बट गार्ड नहीं है, यहाँ पे पीछे भी नहीं है आगे भी नहीं है। तो अभी मोबाइल उर्मी पकड़ेगी, एक्चुअली DSLR से शूट करना चाहिए, बट कैसा रहता है DSLR उर्मी पकड़ नहीं पाती, उसकी फिजिक देखो कितनी दुबली पतली है बेचारी, इसलिए उसको मोबाइल देता हूँ और मैं बोलता हूँ मोबाइल से शूट करा कर। तो ये है अपना टेल बैग जो फ्रॉग मैन डस्ट टिकता है, ब्रांड ले रहा हूँ कंपनी का, एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि डिस्काउंट तो देते नहीं है। और ये बैग लाया हूँ जो इसके अंदर डाल दूंगा, बाद में लगाने की कोशिश करेंगे लगता है कि नहीं। तो बैग को यहाँ रख देते पहले, इसको ओपन करते हैं। मेरे पास 2 साल से पड़ा था, लॉकडाउन से पहले लिया था, बट बोला ना ट्रैवलिंग ही नहीं किया मैं, क्या कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये है प्रॉपर बैग, रहेगा मेरे ख्याल से 40 लीटर या 50 लीटर के करीब का। तो ये ओपन करेंगे, नजदीक आगे दिखा रहा है, थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं आगे, इतनी बड़ी जगह है, पूरा वाटर प्रूफ है। तो ये अपनी बैग है जो इसके अंदर डाल दी गई था, ये जब ट्रैवल करेंगे तो सिर्फ कपड़े ही अंदर डालेंगे, पर फिलहाल टेम्परेरी है तो मैं बोला बैग ही पूरा डाल के देखते ना। फिर ये जो नजदीक ये वेलक्रो है इसको चिपका देंगे ऐसा, फिर इसको एक बार दो बार फोल्ड करेंगे, ठीक है ये हो गया। फिर ये जो मैंने कवर निकाला था ये कवर के अंदर इसको डाल दीजिए वापस। अभी इसको मेन टाइट करना है, टाइट करने के लिए ये था, यहाँ से हम लोग नीचे दिखा दिख रहा है, यहाँ से हम लोग ये क्लिप ऑन कर देंगे, और ये देख सेकेंड साइड से भी यहाँ पे क्लिप ऑन कर देंगे। ये बैग तो आएगा नहीं अंदर, ये स्ट्रिप है, अब इसको यूज करके देखते हैं, बहुत सारी स्ट्रिप है।
ये तो हैंडल है ऐसा उठा के लेके जाना, तो इसको तो यूज नहीं करेंगे ज्यादा। बोलते ना ये स्ट्रिप सिर्फ प्रॉपर बाइक के साथ बन जाए वो है, बट जैसे मैंने बताया अपने स्कूटर में तो गाड़ी नहीं है तो बांधने की कैसे कैसे कर सकते। तो 1 2 3 तीन बाजू से बंद कर दिया, ये बंद कर दिया 4 और ये 5। तो ऐसे आप लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर वाटरप्रूफ है, कोई इश्यू नहीं आएगा, बट अपने को गाड़ी में बांधना है। अभी ये बड़ा टास्क है, लेट्स सी। अभी मैं बताता हूँ कैसे रखा। तो अपने जैसे स्कूटर है तो पेट्रोल की टंकी अंदर रहती है तो इश्यू हो सकता है, क्योंकि हर 5 लीटर ख़त्म होने के बाद पेट्रोल की टंकी को भरानी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया 700 किलोमीटर में ट्रैवल करने वाला, तो आना जाना 1400 किलोमीटर, हर 200 किलोमीटर के बाद जो पेट्रोल की टंकी खुलनी है तो ये दिक्कत आएगा कि जितना मैं ये टाइट करूँगा उतना लूज करके मेरे को पेट्रोल की टंकी यूज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉब्लम ये, सेकेंड इसको ऐसा रखा तो बांधूंगा कहाँ पे। जैसे ये देखो गाड़ी में ऐसा लग तो गया, बट अभी बांधू कहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने ये स्ट्रिप लगाया तो यहाँ पे गार्ड नहीं है कुछ बांधने के लिए। यहाँ पे भी मैंने स्ट्रिप लगाया तो यहाँ पे बांधूंगा कहाँ पे, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे पाँव के नीचे रख सकते हैं बट प्रॉब्लम आ जाएगा, पहले दिमाग लगाने दे। है ना, अरे मेरा चेहरा नहीं, बैग दिखा, बैग दिखाने के लिए मैंने सोचा यहाँ पे बांधता हूँ बट गिरेगा, गिरेगा और पेट्रोल की टंकी, बट खोलोगे कैसे? सैडल बैग ही सही रहेगा। वो क्या होता है साइड वाला? उस दिन गए थे अपन शॉप पे और साइड पे दोनों दिखाया था, वही सही रहेगा ना। बट आप यहाँ सेंटर में आपकी वो छोटी वाली बैग नहीं रख सकते? कैमरा बैग आएगी ना, मेरे को 2 बैग चाहिए ना, एक कैमरा बैग और वो। वो तो है। यह राइडिंग बूट्स, उसका बॉक्स ओपन करने के बाद शूज़ मैंने यूज़ किया हुआ है, लॉकडाउन से पहले लिया था, बट अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है इसके लिए ये मैं सोल्ड कर रहा हूँ, वरना मैं करता भी नहीं। ये देख लो, ये रहा कंपनी का नाम, ये है प्राइस टैग, क्या है इधर, ये देख लो प्राइस टैग। एंड यहाँ पे ना मैंने एक्स्ट्रा स्टिच मारा हुआ है जिसकी वजह से लाइफ टाइम कभी निकले नहीं, और ग्लू भी लगा हुआ है। तो एक्स्ट्रा मैंने 700 रुपया खर्चा किया था ये करने के लिए दोनों शूज़ में। अगर आप लोगों को पता हो तो ये अपने शूज़ एकदम हार्ड रहते, फिर भी मेरे जो कारीगर था उसने स्टिच करके ग्लू लगा हुआ है, मतलब ये कभी भी ऐसा खुलेगा ही नहीं। तो अभी आप लोग डिसाइड कर लो क्या प्राइस दोगे, अगर मुझे जमेगा तो मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो जैसे मैंने आप लोगों को टेल बैग दिखाया और शूज़ दिखाया, तो दोनों में सेल कर रहा हूँ। देखो तो जैसे मैंने बताया 1400 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, और उसकी जगह पे और शूज़ और वाटरप्रूफ बैग जब मैं बेच दूंगा तो उसके पैसे से मैं सैडल बैग लेना चाहता हूँ। वरना क्या होता है कि शूज़ और वाटरप्रूफ बैग ना घर पे ऐसे ही रख रख के आज नहीं तो 2-3 साल के बाद भी वो क्या है डैमेज हो जाएगी या कुछ ना कुछ तो होगा, तो पैसे स्क्रैप में जाएंगे। उसके अंदर मैं बोला ना किसी ज़रूरतमंद को सस्ते दाम पे दे देता हूँ, और वो पैसे लेने के बाद मैं सैडल बैग ले लूँगा तो मुझे यूज़ हो जाए। तो ये चीज़ है। बाकी तो अभी मैं वॉक पे जा रहा हूँ तो उर्मी मेरे साथ आ रही है। वॉक पे निकला हूँ तो रात को ना नई नई जगह पे एक्सप्लोर करता हूँ, तो यहाँ पे घूमते घूमते ये बिल्डिंग दिखी। आपको लगेगा ये कोई पॉश एरिया, बट ये पॉश एरिया नहीं है, बहुत बोलते ना फैमिली, मतलब रेजिडेंशियल एरिया है और बजट वाले लोग रहते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं, एकदम हाई फाई नहीं, बट एरिया अच्छा है। मैं फोटो रख देता हूँ आपको जल्दी समझेगा। ये तो क्या वीडियो बना दिया कि आपको बताओ कि मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ।